बाबा को ले लिया काम होते जाएगा, काम करते चला जाएगा। मतलब मैं करूँ कॉल अभी के सर को। ठीक 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 मैं सर से बात करूँ। सब छाप में गया मैडम, छोटा सा तो है ये है, छोटा सा सीढ़ी है। इसके बाद भी तो काटना होगा, ब्रांडिंग का है करने वाला। उस साइड भी होगा ब्रांडिंग। किस तरह से व्यवस्था है घर है तो अपना ही वो लोग कर लेते हैं। यहाँ पे घर के बाद घर वाला करता है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये इलाका जो है ये पूरा इलाका बनेगा। और यहाँ पर लगातार जो है कि सर इधर से एक बार देखने सर उस घाट को, उधर पर जो है ये सर ये जैसे कि मिट्टी है, ये मिट्टी की सर बता देना, ये सभी सीढ़ी को साफ कर दिया जाएगा। और नगर दियो शराब नहीं लगवा कर होली के लो, दशहरा के लो, बन के दिवालियों अब जाए बताओ छठ में घूम के राहुल देख लो थोड़ा सा लेकिन दूसरी करवाई दे लेंगे। जमीन में तो डायरेक्ट गंगा से स्रोत है, तो फिर गंदा पानी आने कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रत्येक साल के तरह जो इस साल भी मतलब घाट की सफाई की विशेष सफाई हो रही है हम लोग यहाँ से। और छठ पर्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हाँ। और इसके लिए हम लोग विशेष सफाई करते हैं, जितना सुंदर हो सके घाट का मेरा बनावट। हाँ। उतना सुंदर काम करेंगे हम लोग जी। कौन कौन से घाट अभी आपने निरीक्षण किया और कौन कौन से घाट जाएंगे आप? अभी हम लाल दरवाजा देखे हैं। हाँ। कस्टर्नी देखे हैं और बगुआ घाट में आए। बगुआ घाट और भी अन्य घाट को देखे और भी टोटल घाट बिलवा घाट तक हम जाएंगे जी। मैडम ये जो छठ की सभी तैयारी पूरी हो जाएगी? हम लोगों की तैयारी शुरू हो गया है। हाँ। और छठ पर्व दीपावली तक हमारा तैयारी लमसम पूरा हो जाएगा जी। चलिए मैडम ये थे आज माननीय महापौर और उप महापौर और हम सभी नगर निगम के अधिकारियों के साथ हम लोगों ने लगभग घाटों का भ्रमण किया। यहाँ पे हम लोगों के 15 घाट हैं, उसमें से पिछले साल हम लोगों ने 12-13 घाट में काम कराया था। दो तीन घाट ऐसे थे जैसे सूजी घाट जो खतरनाक थे, तो वहाँ पे छठ का आयोजन करना सेफ नहीं था, तो जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि वहाँ पे नहीं करना है। तो बाकी घाटों की हम लोगों ने तैयारी की थी, उसी दृष्टिकोण से छठ को आज 20 दिन है आज से, तो उसी को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो घाट की स्थिति है उसको देखा गया, क्योंकि इस साल पानी का लेवल भी ज़्यादा था। पानी का आज भी आप देख रहे हैं कि लेवल ज़्यादा है, तो जो सीढ़ी हम लोगों को बनाना होता है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग पहले से ही उसमें लगे हुए हैं ताकि छठ के पर्व तक हम लोगों की सीढ़ी सब घाट पे बन जाए। पिछले साल भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था कि लोगों को सुविधा मिले नगर निगम की तरफ से, और इस साल भी हम लोग उससे प्रतिबद्ध हैं, हम लोग उसको करेंगे। घाट वगैरह जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी नगर निगम के द्वारा की जाएगी। छठ के जो भी महत्वपूर्ण रूट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में और घाट को एक्सेस करने में भी आसानी होगी।
पिछले साल का जो हम लोगों ने देखा था कि यही बबुआ घाट कश्तरनी घाट वगैरह पे ज़्यादा भीड़ थी, तो उसको और हम लोग अच्छे से मैनेज इस बार करेंगे। बाकी पानी के वहाँ पे जहाँ पे दलदल होगा वहाँ पे हम लोग सैंड बैग्स देंगे और बैरिकेडिंग कराएंगे उस जगह पे, ताकि लोगों की सेफ्टी भी हम लोग उसको देखें। सर कौन कौन सा खतरनाक घाट? अब तक इसकी कोई सूचना हम लोगों को SDM कार्यालय से नहीं मिली, ना DM सर के कार्यालय से मिली। वो आने वाले समय में वो लोग उसका आकलन करेंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ों पे उसका आकलन होता है। जब वो आकलन होगा हम लोग आपको एक बेहतर स्थिति में होंगे कि बता पाएँ कि घाट कौन सी खतरनाक होंगी, क्योंकि अभी पानी रिसीड ही करेगा, पानी कमेगा, और पानी एक 5-6 दिन में जितना कमेगा उसके आधार पर वो जो उसका एक एस्टिमेट होता है कि कौन सा घाट खतरनाक है, उसी बेसिस पे हम लोग फिर आगे काम। 2-3 घाट पर सीढ़ी पर मिट्टी काफ़ी जमी हुई है, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि गंगा का पानी फ्लड लेवल के कारण ऊपर चढ़ जाता है तो उसके साथ अपना सिल्ट भी आता है, तो जैसे पानी अपना नीचे चला जाता है वाटर लेवल कम होता है, तो जिन घाट पर मिट्टी या सिल्ट आ जाओ आप देख रहे हैं उसको हम लोग हटा लें। थैंक यू।